जयपुर में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी, काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरबी में फिर मेला लगा। यहाँ पर मेले में पहाड़ों को लड़ाया गया। आपको बता दें, यहाँ पे करीब 100 से अधिक पहाड़े पहुंचे थे। वहीं इसको देखने के लिए 50,000 से अधिक लोग यहाँ पहुंचे थे, आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। सूचना मिलने पर शाहपुर थाने का बल वहाँ पहुंचा। इसी के साथ यहाँ पे समझाइश दी गई यहाँ पे, लेकिन ये लोग नहीं माने। मेला समिति ने यहाँ पे ठेले की टक्कर भी करवाई, वो भी बिना अनुमति के, जिसके बाद यहाँ पे FIR दर्ज की गई है। करीब 62 ठेला मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं 5 मेला समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ भी FIR की गई है। आपको बता दें, ये 28 पेज की सबसे बड़ी FIR है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि इसमें 68 लोगों के खिलाफ FIR की गई है, केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, बुरहानपुर में कलेक्टर भव्या मित्तल, SP देवेंद्र पाटीदार ने भी अपील की है, आदेश जारी किया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पशु क्रूरता नहीं रुक रही है। धड़ल्ले से यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो मेला समिति के लोग हैं, ये इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका नतीजा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये जीता जागता स्पष्ट उदाहरण है। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आज थाना शाहपुर के ग्राम बोदरली में मेले का आयोजन किया गया था, और मेले के आयोजन के साथ साथ उन्होंने ठेला टक्कर भी कराया उसने, जबकि कल ही उनको सारे मेला समिति के अध्यक्ष और उनके सारे सदस्यों को बुला के मेरे और तहसीलदार स्टाफ के द्वारा बता दिया गया था कि ठेला टक्कर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने इसके लिए एक आदेश विशेष रूप से निकाला है। उसके बावजूद उन्होंने वो ठेला टक्कर कराई थी। उसने आज थाना शाहपुर में धारा 223, 125 BNS और 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मेला समिति के अध्यक्ष, उसके 4 सदस्य तथा 62 मेला हेला मालिकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और इसमें शीघ्र ही हम विवेचना करके प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। चूंकि निश्चित रूप से पशु क्रूरता का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश है, इस संबंध में एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी कलेक्टर की तरफ से जारी हुआ कि इस तरह की जो ठेले की टक्कर वगैरह प्रतिबंधित है। हम इस दिशा में लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, आयोजकों से भी लगातार बैठक करके उनको अवगत करा रहे हैं। साथ ही 2 ऐसे मामले हैं जिनमें हमने गंभीरता के साथ पूरे आयोजन समितियों को भी मुलजिम बना के प्रकरण दर्ज किए, साथ ही ऐसे जो ठेला लड़ाने के लिए मालिक उनको भी मुलजिम बना रहे और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी। मेरे सभी लोगों से आग्रह है कि इस तरह के जो ठेला टक्कर वाली प्रतियोगिताएं हैं, उससे निश्चित रूप से मानव जीवन संकट में रहता है, दुर्घटना की पूर्ण रहती है और पशु के साथ भी क्रूरता रहती है। तो इसको अवॉइड करें, बाकी लोग भी इसको जागरूक करें, और इस तरह की जो प्रवृत्ति है इसको कम से कम रोकेंगे तो निश्चित रूप से सभी के हित में होगा। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।